5G पर अफवाह फैलाने वाले सावधान हो जाएं। इसको लेकर अब सरकार की तरफ से सख्ती बरतने की बात की गई है। 5G को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। जो लोग 5G से कोरोना होने की बात कहेंगे, कोरोना होने की अफवाह फैलाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को और जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग ये कहें कि 5G की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हवाला दिया अपनी बात को कहते हुए और कहा कि 5G से कोरोना नहीं फैलता है। तो एक बड़ी और एक अहम खबर, ये वो पत्र है, ये वो लेटर है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, वाकई में कुछ दिन तक ये चर्चा चल रही थी और अभी तक लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 5G को लेकर ये जो कोरोना फैल रहा है इसकी वजह से फैल रहा है, इसका जो नया जो 5G लाया जा रहा है इसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी इस पर सख्ती की बात की गई और WHO का हवाला दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से CEO AI की तरफ से एक पत्र लिखा गया था सरकार को, और उस पत्र में ये मांग की गई थी कि जो 5G को लेकर के कुछ अफवाह जो है वो खासतौर से रूरल और सेमी रूरल जो इलाके हैं उनके अंदर ज्यादातर देखने के लिए मिल रही है कोरोना संक्रमण को लेकर के। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो ये पत्र जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन की तरफ से कि इस प्रकार की जो भी अफवाह है सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनके पास ये पत्र भेजा गया है कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है या कोई ऐसी बात कही जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि 5G का इस संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है और इस प्रकार की अफवाह पर। और जितेंद्र, यहाँ तक हुआ है बहुत सी जगहों पर तो कि लोगों ने टावर तक जला दिए हैं कंपनीज के, अलग अलग कई कंपनीज के। हाँ जी बिल्कुल, ना सिर्फ इस तरीके की जो गतिविधि है वो देखने के लिए मिली है और अब उस पर कार्रवाई हो उसी को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से 5G टेस्टिंग की बात कही जा रही है तो वो टेस्टिंग भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है जिस प्रकार से कुछ ऑडियो क्लिप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। यह भी साफ किया गया है कि उतने बड़े स्तर पर कोई 5G टेस्टिंग नहीं हुई है और ना अभी चल रही है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई अफवाह फैलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसको लेकर के ये पत्र IAS विजयवर्धन की तरफ से लिखा गया है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए जितेंद्र। तो 5G की टेस्टिंग को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि 5G की टेस्टिंग चल रही है और इसलिए कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। अब इसको लेकर हालांकि WHO ने भी कहा कि 5G टेस्टिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग सरकारों की तरफ से भी इस बात को कहा गया। हरियाणा में भी अब मुख्य सचिव की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, तमाम जिलों के SP हैं जो भी अधिकारी हैं जिला मजिस्ट्रेट है कि अगर कोई भी इस तरह की अफवाह फैलाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 5G की वजह से अगर कहीं टेस्टिंग हो भी रही है तो इसकी वजह से कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे और इस तरह से ज्यादा टेस्टिंग हो भी नहीं रही है, क्योंकि इस तरह के केसेस भी सामने आए थे कि बहुत सारी जगहों पर तो लोगों ने टावर तक जला दिए थे जो मोबाइल टावर थे और इससे काफी नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, बहुत से रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और यही बात है जो हम बता रहे थे कि कोरोना का 5G कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन WHO का इस पर क्या कहना है ये रिपोर्ट भी देखिए। देश में इन दिनों कोरोना घातक रूप ले चुका है, लाखों लोग जिंदगी के लिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, करोड़ों लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, कोरोना का खौफ तो है ही, वहीं कोरोना को लेकर बहुत से शोध भी किए जा रहे हैं, कई नई जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज भी वायरल है, कुछ तथ्यों के आधार पर बात कर रही है तो कुछ अफवाहों को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ा रही है। ऐसे में इन दिनों कोरोना जब चरम पर दिख रहा है तो भारत में एक बात सुर्खियों में है और बात ये कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाले रेडिएशन हवा को जहरीला कर रही है, परिणाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। साथ ही वायरल मैसेज और पोस्ट में ये भी लिखा जा रहा है कि इस रेडिएशन के कारण घर में हर जगह करंट लगता है, साथ ही लोग सुझाव भी दे रहे हैं इन टावरों की टेस्टिंग पर अगर रोक लगा दी जाती है तो सब सही हो जाएगा। इन पोस्ट को पढ़ने और देखने के बाद लोग भ्रम की स्थिति में हैं।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना से जुड़े तथ्यों और भ्रम पर WHO ने अपनी रिपोर्ट भी जारी करके तस्वीर साफ कर दी है। WHO साफ कर चुका है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं होता। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कोरोना रेडियो तरंगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। और एक और बात कि कोरोना उन देशों में भी है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, तो जाहिर है WHO की ओर से साफ किया जा चुका है। ऐसे में किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। कोरोना को लेकर WHO के अलावा सरकार और प्रशासन इससे बचाव के तरीकों पर जानकारी दे रहे हैं, तो लोग सचेत रहें, सावधान रहें, सोशल मीडिया की वायरल जानकारियों से बचें और कोरोना से भी बचना जरूरी है। ज्योति सांगवान, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।